और भाई इनके लिए खाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा मेरे को यार। आज एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरे को घोड़े का लाइव मर्डर देखना है, तो भाई मैं आपको बता दूं यार, ये तो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई घोड़े को मारना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। मतलब यार कुछ भी करवा लो तुम मेरे से, लेकिन मटर मटर मत कराओ यार। सो गाइज, आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई मजेदार वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेंज सिमुलेटर, और यार जो आज की वीडियो है ना अपनी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि भाई आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग लेवल का घर। मतलब हमने बहुत सारे घर तो बना रखे हैं, लेकिन यार अभी तक हमने पास खुद का पर्सनल घर नहीं है। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम वो भी बनाने वाले हैं। यार आज हम जो घर बनाने वाले हैं ना, वो तो भाई वैसे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई उसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ 3 बेडरूम, किचन और भाई हॉल भी बनाने वाला हूँ बड़ा सा, और भाई गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग भी बनाने वाला हूँ। यार वो वाला घर मैं बनाने वाला हूँ सामने की साइड में, जहाँ पे अभी अपने घोड़े ना, ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड ना, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। और उधर की साइड में आप देख रहे हो जो अपना बान हाउस है ना, वो उधर वाला, उसके अंदर शायद अभी तक 2 ही पिक है, बाकी तो यार मैंने मार के सेल कर दिया सभी को। अभी यार उसके अंदर 2 पिक है, उनको भी मैं मार दूंगा, और भाई इस वाले बान हाउस को मैं तोड़ने वाला हूँ। और यार जो अपने घोड़े का ट्रेनिंग ग्राउंड ना, वो भाई यहाँ पे बनाने वाले हैं अभी हम। तो यार अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले भाई मेरे को अपनी जो गाय है ना, उनका दूध निकालना है, क्योंकि यार मैंने काफ़ी दिनों से उनका दूध नहीं निकाला है। तो भाई पहले जल्दी से मैं इनका दूध निकाल लेता हूँ। और भाई जो अपने चिकन है ना, उनके एग्स भी मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो यार पहले जो डेली रूटीन का काम होता है ना, हम ना वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम घर बनाने वाले हैं। यार हमने वैसे टावर्स तो काफ़ी ज़्यादा बना रखे हैं, उधर की साइड में देख रहे हो आप घोष टावर है, और यार उधर की साइड में देखें तो भाई वहाँ पर रहा अपना तिरंगा टावर। तो यार भाई अपने पास में टावर तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी अपने पास में क्या नहीं है, चीज़ फैक्ट्री नहीं है, और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अपने पास में नहीं है। तो यार वो भी हम बनाने वाले हैं। तो यार पहले जो अपना डेली रूटीन है ना, वो कंप्लीट कर लिया जाए, मतलब अपनी गाय का दूध निकाल लिया जाए। भाई जो अपनी बकेट है ना, उसके अंदर पहले से ही दूध रखा हुआ है, तो यार इस वाले दूध को तो मैं ड्रम के अंदर डाल देता हूँ। ये वाला फुल हो चुका है भाई, ये भी फुल, और भाई इसके अंदर थोड़ी जगह है, मतलब अभी तो ये सारे ड्रम फुल हो चुके। नहीं नहीं भाई, ये वाला है ना, ये अभी तक खाली है, इसके अंदर यार काफ़ी ज़्यादा दूध आ सकता है। तो यार पहले मैं अपनी गायों का दूध निकाल लेता हूँ बाहर चल के जल्दी से। फिर अभी अपने पास में 4 गाय हैं, तो भाई इनका दूध ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो गाय यार जो अपनी गाय है ना, वो भी मेरे पास में आ चुकी है, बोल रही है कि भाई मेरा दूध निकाल ले। तो यार अभी जल्दी से गाय का दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो भी हमने वो काम करना है ना, वो हम करने वाले हैं। तो पहले जल्दी से गाय का दूध निकाल लेता हूँ मैं। सो गाइस यार मैंने अपनी गायों का दूध तो निकाल लिया है, अब यार इस दूध को ड्रम के अंदर डालना है, तो भाई पहले ये काम भी कर लेते हैं, उसके बाद में इनके पास में खाना है या नहीं वो देखने वाला हूँ मैं। तो पहले जल्दी से इस गेट को करते हैं, वरना यार बाहर बहुत तेज़ भागती हैं, पता चला कि 2 गायें बची हैं अपने बान हाउस के अंदर, बाकी सारी भाग गई हैं। चल इसको रखते हैं यहाँ पे, अभी चलते हैं उनके पास में खाना है या नहीं वो देखते हैं। अगर खाना नहीं होगा ना, तो यार फिर मेरे को इनको फीडर से खाना देना पड़ेगा। मेरे को लगता है इनके पास में खाना होना चाहिए, क्योंकि यार मैं इनको पूरा खाना देता हूँ, मतलब इनको भूखा नहीं रखता हूँ मैं। तो भाई इनके पास में अभी खाना पड़ा है, लेकिन थोड़ा कम है। तो यार अभी इनको मैं खाना डाल देता हूँ, मतलब फीडर को फुल कर देता हूँ, फिर जब भी इनको आवश्यकता होगी ना, फीडर से इनको खाना मिलता रहेगा। तो भाई ये रहा अपना फीडर, ओ अपना फीडर ना वो भाई पूरा खाली हो चुका है, तो इसको पूरा भर देते हैं आज। सो गाइज मैंने जो अपना फीडर था ना, वो भी पूरा भर दिया। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को जो अपने चिकन है ना, उनके एग्स कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मेरी बास्केट है ना भाई, वो रखी हुई है, पहले तो इसको उठाते हैं और भाई देखते हैं जो अपने चिकन है ना, उन्होंने एग्स दे रखे हैं या नहीं। तो भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्स पड़े हुए हैं, तो यार इन सभी को मैं जल्दी से पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे मुर्गी भी तो होनी चाहिए, वो कहाँ पे गई, वो शायद नीचे की साइड में घूम रही होगी। तो पहले इसको करते हैं, और यार जो भी अपने अंडे ना, इनको सभी को कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार मैंने इस वाले चिकन फार्म के भी सारे एग्स को कलेक्ट कर लिया, अभी अपने को बाहर की साइड में चलना है। तो यार मैं ऊपरी साइड में खड़ा हो गया था, तो भाई ऊपर टच हो रहा था, तो मेरे को नीचे से चलना पड़ेगा। अभी यार जो बास्केट है ना अपनी, इसको रखते हैं यहाँ पे कॉर्नर के अंदर, और इसके अंदर भी मतलब अपने पास में यार 3 बास्केट हो चुके हैं, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्स हैं। इनको यार हम बाद में सेल करने वाले हैं, अभी अपने को चलना अपने पिग्स के पास में, क्योंकि यार जो अपने पिग है ना, उनको मारना है। अभी अपने पास में 2 ही पिग हैं, और भाई वो भी दोनों के दोनों मेल पिग हैं, तो यार वो प्रोडक्शन तो देने वाले नहीं है। और यार वैसे भी मैं ये वाला बान हाउस ना, इसको तोड़ने वाला हूँ अभी। तो यार पहले इन दोनों पिगों को मार दिया, मतलब यार इनके पास में ढेर सारा खाना पड़ा है, मतलब यार ये दोनों है ना, ये पूरे दिन खाते रहते हैं, तो यार इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। लेकिन यार अभी इनके पतले होने का टाइम आ चुका है। तो यार अपनी जो गन है ना, उसके अंदर एमओ तो होने चाहिए। हाँ भाई मेरे पास में अभी 70 एमओ है। तो यार पहले जल्दी से मैं अपनी गन को रिलोड करता हूँ, और भाई इन दोनों को मार देता हूँ, क्योंकि यार ये वाला बान हाउस है ना, ये मेरे को तोड़ना पड़ेगा, तो भाई इनको मारना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई इसको मारते हैं, पहले एक गोली में ये गया, और ये कहाँ जाएगा बाकी। तो भाई
मतलब मैंने दोनों को मार दिया। अब यार इनको जल्दी से अनस्किन करता हूँ और डब्बों के अंदर भर लेता हूँ, मतलब कूलर्स के अंदर डाल लेता हूँ इनको मैं। सो गाइस यार अपन ने ये सारा काम तो कंप्लीट कर लिया है। अब यार जो बान हाउस है ना अपना, उसको भी तोड़ना है मेरे को। तो भाई पहले गाड़ी को बाहर लेकर चलते हैं, उसके बाद में इसको तोड़ने वाले हैं। तो भाई गाड़ी ना वो अपनी काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी मेरे को लगता है। ओ यार अपनी गाड़ी अभी निकलने वाली है बाहर। तो यार पहले जो अपनी गाड़ी है ना, इसको करते हैं यहाँ पे गैराज के अंदर, गैराज नहीं भाई स्टोर रूम के अंदर पार्क। और अभी चलते हैं, जो अपना बान हाउस है ना उसको तोड़ने वाले हैं अभी हम जा कर के। तो सबसे पहले भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं सोच रहा हूँ जो आगे साइड में फ्रेंचेज लगी हुई ना इनको तोड़ता हूँ सबसे पहले, और बाद में जो पूरा बान हाउस है ना उसको तोड़ने वाला हूँ अभी मैं। तो भाई ये काफ़ी आसानी से टूट जाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, और जो भाई बान हाउस है ना अपना वो भी काफ़ी आसानी से टूट जाएगा। सर गाइस यार मैंने जो लाइटें थी ना वो भी हटा दी हैं। अब यार जो अपना बान हाउस है ना वो यहाँ से कंप्लीट हट चुका है। अब यार साइड में चल कर देखते हैं। ओ भाई जो अपना बान हाउस है ना वो तो मैंने यहाँ से पूरा हटा दिया है। अभी यहाँ पे हमने वो क्या करना है यार, जो अपने घोड़े हैं ना उनका जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है भाई वो बनाना है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो फीडर है ना वो भी काफ़ी पास में है, और भाई मेरे को अलग से उनको खाना भी नहीं डालना पड़ेगा। और यार उधर वाली साइड में ना मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो भाई पहले मेरे को क्या करना है, जो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड है ना भाई उसका ब्लू स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो भाई पहले यहाँ पर मैं अपना ब्लू स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जल्दी से, मतलब कहाँ पर मिलने वाला है, लास्ट पेज पर है। तो भाई ये रहा अपना घोड़े का। तो भाई यहाँ पे आने वाला नहीं लग रहा है मेरे को, मतलब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए यार, वो अभी मेरे पास में है नहीं। यार अभी कोशिश करके देखते हैं ये आ जाए ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता ना तो फिर मेरे को उधर की साइड में बनाना पड़ेगा अपने फ्लैग के पास में। तो भाई यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। हाँ भाई अभी यहाँ पे अच्छे से आ रहा है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे लगा दिया जाए इसको, तो यहाँ पे मैंने लगा तो दिया। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है भाई ये। यार जब ना ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो यहाँ पे भाई काफ़ी सही लग रहा है। अभी तो यार इसके अंदर मेटल और वुड प्लैंक लगने वाले हैं, उसके बाद में भाई ये कंप्लीट हो जाएगा बन करके। तो यार इसके लिए मेरे को मेटल लेकर आना है, तो भाई मेटल लाना पड़ेगा मेरे को कहाँ से, अपने हार्डवेयर शॉप पे। तो यार पहले जल्दी से मैं अपनी हार्डवेयर शॉप पर चलता हूँ। और भाई जो अपनी गाड़ी ना वो कौन सी वाली लेकर चलें यार, मतलब कि हाँ भाई वो रही अपनी कार। तो यार इस वाली कार को लेकर जाने वाला हूँ मैं, और भाई इसके अंदर जो बड़े वाला ट्रेलर ना उसको मैं अटैच करके लेके जाने वाला हूँ। ताकि यार जो अपना घर है ना उसके लिए भी अपने को मेटल और भाई वुड प्लैंक लगने वाले हैं, तो वो भी मैं एक साथ में लेकर आ जाऊँ। तो यार पहले जल्दी से चलते हैं अपनी हार्डवेयर शॉप पर, और भाई जो अपना ट्रेलर है ना वो वहाँ पर ही है। सो गाइस यार मैंने काफ़ी सारे वुड प्लैंक तो अपनी गाड़ी के अंदर रख लिए हैं, मतलब अपने ट्रेलर के अंदर रख लिए हैं, लेकिन यार अभी भी कुछ प्लैंक्स हैं जो इसके नीचे हैं, तो यार उनको मैं बाद में उठा लूँगा। लेकिन यार आ तो रहे आसानी से, इनको भी अभी रख लेता हूँ मैं। लेकिन यार इतने प्लैंक मेरे लिए काफ़ी होंगे, अगर अगर बाद में मेरे को प्लैंक की आवश्यकता पड़ती है ना तो मैं आ करके ले जाऊँगा। तो अभी चलते हैं अपने रेंज पर जल्दी से, और भाई जो अपना काम है ना वो स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले तो जो घोड़े का घर है वो बनाना है, उसके बाद में अपना घर बनाना है। और भाई जो ट्रॉली है ना अपनी उसके अंदर यार मैंने काफ़ी सारे प्लैंक भर रखे हैं। तो भाई जो गेम है ना अपना वो काफ़ी ज़्यादा लैग भी कर रहा है अभी। सो गाइस फाइनली हम अपने रेंज में तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को चलना अपने घोड़े घर पे, घोड़े घर पे नहीं मतलब जो इसका ट्रेनिंग ग्राउंड है ना इसको कंप्लीट करना है। तो भाई जो अपनी गाड़ी है ना इसको इसके पास में पार्क कर देता हूँ मैं, ताकि यार प्लैंक उठा कर लगाने में बहुत आसानी होगी अभी मेरे को। देखो जल्दी जल्दी मैं लगा देता हूँ इसके अंदर सारे प्लैंक। यार इसके अंदर जितने भी वुडन प्लैंक लगने वाले थे ना वो तो मैंने अभी लगा दिए हैं, लेकिन इसके अंदर लगने वाले हैं चार प्लेट मेटल के भी। तो पहले इसको रखते हैं यहाँ पे, और जो मेटल है ना वो भी लगा देते हैं इसके अंदर। और भाई ये लो जो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो फिर से बन के रेडी हो चुका है, मतलब उधर भी बना रखा हमने और एक यहाँ पर भी बना लिया है। अभी देखते हैं यार ये वाला कैसा बना है। भाई ये वाला ट्रेनिंग ग्राउंड काफ़ी सही है, इसके अंदर बस दो पेड़ आ रहे हैं, उन पेड़ को मैं बाद में काट दूंगा। अभी मेरे को क्या करना है, जो घोड़े हैं अपने उनको यहाँ पे लेके आना है। तो भाई मैं पहले एक एक करके सभी घोड़ों को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। सो गाइस ये रहे अपने घोड़े, और जो वाइट वाला घोड़ा है ना उसको यार मैं सबसे पहले लेकर जाने वाला हूँ, और भाई बाद में इनके लिए कुछ और भी बनाने वाले हैं, क्योंकि यार अभी तो हमने घोड़ों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनाया है। भाई जो घोड़े ना उनके लिए घर भी बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि यार घोड़े ना जो वो ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़े रहने वाले। अपना वाइट वाला घोड़ा ये रहा भाई, इसको लेकर सबसे पहले चलते हैं। इसके लिए मेरे को गेट को ओपन करना पड़ेगा पहले। तो भाई घोड़े आ जा भी तू भाई, वो ब्लू वाला घोड़ा काफ़ी खतरनाक वो आ रहा है, उससे पहले मैं निकलता हूँ। नहीं यार ये मेरे से पहले निकल गया, लेकिन उसको मैं बाद में पकड़ लूँगा, वो उधर ही कहीं पर घूमता हुआ मिल जाएगा मेरे को। इस वाले घोड़े को रखते हैं यार पहले नए वाले ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तो इसको जंप करवाने का तो कोई फ़ायदा है कि नहीं, क्योंकि यार अंदर जा नहीं पाएगा ये। तो भाग कहाँ रहा तू।
सो गाइज इसको तो मैंने इसके अंदर रख दिया है। अभी जो बाकी के दो घोड़े ना उनको भी लेकर आना है, तो भाई जल्दी से मैं उनको भी लेकर आ जाता हूँ पहले, उसके बाद में बनाने वाले अपने लिए हम एक छोटा सा घर, मतलब अच्छा सा घर चुका। लेकिन यार पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, उसको ढूंढते ढूंढते मैं भी थक चुका हूँ। लेकिन भाई जो घोड़ा है ना वो रहा भाई अपना घोड़ा, वो उधर की साइड में है भाई, मैं इधर की तरफ ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इसको अभी जल्दी से विशल बजा कर बुलाते हैं पास में, क्योंकि यार ये पढ़ाया हुआ घोड़ा है, अपना जेड ब्लैक हॉर्स है। तो भाई मेरे पास में है जल्दी से। हाँ भाई ये देखो कितना समझदार घोड़ा है, तो भाई इसको हम विशल बजा कर बुला भी सकते हैं। अब यार इसको भी जल्दी से ले जाकर इसके नए घर में रख देते हैं, मतलब नए ट्रेनिंग ग्राउंड में रख देते हैं। उसके बाद में हम बनाने वाले हैं अपने लिए घर, और भाई इनके लिए खाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा मेरे को। यार आज एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरे को घोड़े का लाइव मर्डर देखना है, तो भाई मैं आपको बता दूं यार ये तो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई घोड़े को मारना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। यार तुम मेरे से कुछ भी करवा लो, लेकिन भाई ये मर्डर मत करवाओ मेरे से। लोग मेरे को मतलब जेल में डलवाना चाह रहे हैं, मतलब घोड़े का मर्डर कर दो, भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे घोड़े प्यारे प्यारे घोड़े। तो सो गाइज आज जो अपने घोड़े ना इनका हम नाम भी रखने वाले हैं, क्योंकि एक भाई ने बोला था कि मेरे को कि भाई जो तेरा व्हाइट वाला घोड़ा है ना वो सबसे बेस्ट घोड़ा है, तो उसका नाम तू रखियो चेतक। तो भाई उसका नाम तो मैंने चेतक रख दिया, लेकिन उससे पहले मैंने इनका नाम कुछ और रख रखा था, वो धोड़िया, ये कालिया, और भाई वो भूरिया, वो बाहर भाग गया अभी भूरिया। तो लेकिन अभी मैं इनका नाम चेंज करने वाला हूँ, जो व्हाइट वाला है ना अपना वो तो भाई चेतक है। अरे तू काले वाले, अरे भाई ये अपना जेड ब्लैक, और भाई वो है ना वो अपना भूरिया घोड़ा है। इसका भी यार तुम कोई अच्छा सा नाम बता सकते हो जो मैं रख सकूँ। तो इसको भी पहले ले जाकर इसके नए घर के अंदर रख देते हैं। तो भाई इसकी छलांग ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अभी, तो इनको यार मैं ट्रेनिंग कराने वाला हूँ, उनके बाद में यार इनका स्टेमिना ना वो काफ़ी बेटर हो जाएगा, उसके बाद में डायरेक्ट ऊपर से छलांग जो अपना फैलेगा ना उसके ऊपर से भी छलांग मार जाएंगे ये घोड़े। तो इसको भी रख देते हैं अंदर की साइड में। यार इनको अंदर रखना काफ़ी मुश्किल होता है, देखो ये इधर भाग रहा है और भाई वो बाहर आएंगे दोनों भाग कर। तो पहले मैं कैसे भी करके इनको अंदर डाल देता हूँ इन तीनों घोड़ों को। यार साइड में हो जा चेतक। हो सो गाइस फाइनली यार मैंने अपने तीनों घोड़ों को अंदर तो ला के रख दिया। अब यार इनके लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए भी बना देता हूँ, फिर यार अपने को अपना घर बनाना है, तो भाई वो भी अभी हम जल्दी बनाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे बना देता हूँ इसे कुछ खाने के लिए। एक मिनट भाई, उधर की साइड में बनाना चाहिए मेरे को, ताकि भाई जो फीडर है ना वो भी पास में रहेगा, इनको यार खाना पानी भी मिलता रहेगा। तो भाई यहाँ पे मिलना चाहिए इनके लिए कुछ खाने के लिए, बनाते हैं जल्दी से, मतलब जिनमें खाना खाएंगे ना वो बनाते हैं, खाना तो इनको फीडर से मिल जाएगा फिर। मतलब यार एक मिनट, मैं इनके लिए खाने के लिए यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, मतलब यार आजाद तो बनाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट एपिसोड में हम इनके लिए घर बना देंगे, उसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भाई एक ही बना देता हूँ यहाँ पे खाने के लिए, और एक पानी के लिए बना देता हूँ जल्दी से। भाई फिर तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पे खाना थोड़ी ना खाएंगे, यहाँ पे तो ये ट्रेनिंग करने आएंगे सिर्फ। इनके अंदर मेरे को वुडन प्लैंक लगाने, तो भाई वो भी लगा देता हूँ अभी मैं जल्दी से। सो गाइस यार ये आखिरी वुडन प्लैंक है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको भी लगा देते हैं। इसके अंदर भाई मैंने वुडन प्लैंक भी लगा दिया, इनके पास में अभी खाना भी आ चुका है, तो भाई ये तो काम कंप्लीट हो अपना। अभी यार जो घोड़े हैं ना अपने वो यहाँ से मस्ती से खाते रहेंगे। अभी अपने को काम पे चलना, अपने को चलना भाई अपने घर के लिए। तो उधर वाला जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो मेरे को पहले तोड़ना है, उसकी जगह पे मेरे को अपना घर बनाना है। तो पहले जल्दी से चलते हैं, अपनी गाड़ी को भी वहीं पे ले चलते हैं, क्योंकि भाई जो भी प्लैंक है ना अब ये वहीं पे लगने वाले हैं, यहाँ पे इनका कोई काम रह नहीं गया है। यार अभी हम यहाँ पे तो आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी को यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा मेरे को, और भाई ये सब मेरे को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो भाई इसको तो मैंने तोड़ दिया, और भाई इधर इनके खाने के लिए भी मैंने बना रखे थे जिनमें खाना खाते थे ना, इनको भी मैं पहले तोड़ देता हूँ, उसके बाद में ये सामान ना इसको साइड में हटाते हैं, उसके बाद में अपना घर बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा था ना वो तो मैंने साइड में हटा दिया, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो अपना घर है ना उसका ब्लू स्ट्रक्चर तैयार करना है। और भाई यहाँ पे मेरे को लगता है ये दो पेड़ है ना ये भी काटने पड़ेंगे छोटे वाले, तो यार पहले जल्दी से उनको उड़ाते हैं यहाँ से। तो भाई कट जाओ तुम जल्दी से, तो अपनी कुल्हाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इनको जल्दी जल्दी काट देती है। अभी यार जो अपने पेड़ थे ना वो भी कट चुके हैं, अभी मेरे को यहाँ पे बनाना है खतरनाक सा ब्लू स्ट्रक्चर अपने घर का, तो भाई इसी के पास में बनाने वाला हूँ मैं, ज़्यादा दूर बनाने वाला नहीं हूँ। तो पहले जो ब्लू स्ट्रक्चर है ना उसको बना लेते हैं हम, तो जल्दी जल्दी पहले फ्लोर बनाना पड़ेगा अपने को। तो भाई यहाँ पे नहीं मिलने वाला फ्लोर, ये रहा। तो पहले जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ भाई, उसके बाद में दिखाता हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला जो अपना घर है ना वो।
सो गाइस यार, जो अपना घर है ना, उसका ब्लू स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है, मतलब फ्लोर का तो बन के रेडी हो चुका है अभी। और इसके अंदर मेरे को प्लैंक लगाने हैं, और भाई जो ऊपरी साइड का ब्लू स्ट्रक्चर है ना, वो भी बनाना है। तो यार ये सभी काम मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद में मिलते हैं यार। सो गाइस यार, जो अपना घर है ना, उसका भाई ब्लू स्ट्रक्चर बन के तो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसी का ब्लू स्ट्रक्चर बना भाई। इसके ऊपर मैं एक और फ्लोर बनाने वाला हूँ, तो भाई उसका ब्लू स्ट्रक्चर हम बाद में बनाने वाले हैं। लेकिन यार घर का स्ट्रक्चर है ना, वो मैंने बना लिया कंप्लीट। अभी यार बाहर की साइड में चलते और देखते तो अपना घर है ना, वो कैसा दिखाई दे रहा है। यार यहाँ से आप देख सकते हो, जो अपना घर है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर यार मेरे को क्या करना है, अभी प्लैंक लगाने हैं, उसके बाद में यार ये खूब शानदार दिखने वाला है। यार उधर की साइड है ना, उधर की साइड में मैंने, यहाँ पे भी हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इधर मेरे को रैंप लगानी है, वो अभी लगा देता हूँ, एक मिनट रुको। मैं तो यार रैंप ये रही अपनी, इसको भी लगाते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इधर भी लगानी है मेरे को रैंप, तो इसको ये यहाँ पे लगा देते हैं। और भाई जो पीछे की साइड है ना अपनी, उसमें भी मेरे को रैंप लगाने हैं। तो यार यहाँ पे भी मैं पहले रैंप लगा देता हूँ। तो भाई जो रैंप है ना, वो तो इस साइड में नहीं लग रही है, मतलब कि नहीं लग रही यार, इधर की साइड में रैंप नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ लगा देता हूँ, रैंप नहीं लग रही ना, तो सीढ़ियाँ लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ भाई ये रही अपनी सीढ़ियाँ, इनको लगा देते हैं यहाँ पे। तो भाई किधर, उधर मुँह करो तुम अपना। हाँ तो भाई जो सीढ़ियाँ ना, वो मैंने इस साइड में लगा दी, मतलब कि इधर का लुक है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये बैक साइड है वैसे अपने घर की, और उधर वाली साइड है ना, वो फ्रंट साइड है। और भाई ये रहा अपना किचन, मतलब ये छोटा सा अपना किचन है, और इधर की साइड में आप देख सकते हो ये वाला अपना बेडरूम है। और भाई यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ सीढ़ियाँ, मतलब छत के ऊपर जाने के लिए, मतलब गैलरी टाइप कुछ बनाने वाला हूँ मैं। और इधर की साइड में देखो, ये मतलब ऐसे कुछ मान लो, इधर हम पार्किंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो यार अभी इनके अंदर मेरे को क्या करना है, पहले इनके अंदर जल्दी जल्दी मैं प्लैंक लगा लेता हूँ, उसके बाद में यार मेरे को जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, वो भी बनाना है। तो पहले जल्दी से मैं प्लैंक लगा लेता हूँ इनके अंदर। सर गाइस यार, मैंने जितना भी अपना घर का ब्लू स्ट्रक्चर था ना, उसके अंदर सारे में प्लैंक लगा दिया। अभी देखते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा। ओ भाई, मतलब इस साइड से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यार अभी फ्रंट की साइड में भी चलकर देखते हैं, जो अपना घर है ना, वो फ्रंट साइड से ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं भाई। ओ भाई, तो अपना घर है ना, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो यार इसके ऊपर एक और फ्लोर बनने वाला है, ऊपर वाला फ्लोर बनने के बाद में यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। तो यार अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को इसके अंदर रूफ लगानी है, क्योंकि यार मैंने अभी तक इसके अंदर रूफ नहीं लगाई है। तो भाई पहले मैं जल्दी से रूफ का ब्लू स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, मतलब पहले सीढ़ियाँ लगानी पड़ेंगी ना मेरे को यहाँ पे। भाई पहले सीढ़ियाँ बनाते हैं यहाँ पे। तो भाई सीढ़ी कहाँ पर मिलेगी मेरे को, ये रे भाई सीढ़ी, तो इसको इधर लगाते हैं पहले। लग जा भाई यहाँ पे, लग जा। हाँ जो अपनी सीढ़ी है ना, वो अभी लग चुकी है। और भाई मेरे को क्या करना है, पहले पहले मेरे को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर प्लैंक लगाने हैं। तो पहले मैं जल्दी से इसके अंदर प्लैंक लगा देता हूँ, उसके बाद में चलने वाले हैं हम ऊपर की साइड में। अभी हम ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे एक फ्लोर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इस पूरे में रूफ लगानी पड़ेगी। तो यार पहले जो छत है ना, वो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद में यार जो ऊपर का फ्लोर है ना, वो भी हम बनाने वाले हैं। और यार जो ऊपर का फ्लोर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो जल्दी जल्दी मैं जो रूफ है ना, वो लगा लेता हूँ पहले तो। सो गाइस यार, जो अपना घर है ना, उसका जो सेकंड फ्लोर है ना भाई, उसका भी ब्लू स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। और भाई आप देख रहे हो ये कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, मतलब यार मैंने एकदम से अच्छे से घर को तो बना दिया है। लेकिन अभी यार इसके अंदर मेरे को और भी खूब सारा काम करना है, जैसे कि जो ऊपर की साइड में फ्लोर है ना, इसकी छत लगानी है, और भाई इधर की साइड में भी एक रूम बनाना है। लेकिन अभी मेरे पास में जो प्लैंक है ना, आपको दिखा देता हूँ, अभी जो प्लैंक है ना भाई, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो यार मेरे को पहले तो प्लैंक लेकर आनी पड़ेगी। और जो इस साइड से देखते थे भाई अपने घर को, ओ भाई जो अपना घर है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब तो यार अभी इसके अंदर प्लैंक जो लगने वाले हैं, उसके बाद में ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। और यार अभी तो इसको कलर भी करना है, और भाई जो बचा हुआ काम है ना, वो करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी करने लग गए ना, तो वीडियो ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और अभी यार एक मिनट घर के अंदर चलते हैं पहले। और कल की वीडियो के अंदर जो अपना घोड़ा ना भाई, उसका भी हम घर बनाने वाले हैं। तो यार यहाँ पे मैं आसानी से ऊपर भी आ सकता हूँ, और भाई यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इसके ऊपर एक फ्लोर बनाया जाए। लेकिन यार वो सब काम है ना, वो हम बाद में करने वाले हैं। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।